वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एवरीवन एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी आप जो पीछे देख रहे हो दैट इज द एडी ब्लॉक ऑफ द पटना कॉलेज कैंपस एंड पटना यूनिवर्सिटी एक्सप्लोरेशन का ये पहला वीडियो है, पहला एपिसोड है। तो वरुण के साथ मिलकर पूरा पटना कॉलेज को एक्सप्लोर करने जा रहा हूं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में हिस्ट्री बताता हूं पटना कॉलेज का। पटना कॉलेज का स्थापना 1863 में हुआ था। सबसे पहले तो ये जान लीजिए इस बिल्डिंग का जो इतिहास है बहुत गौरवशाली रहा है। इसको डच लोग बनाए थे, उससे पहले ये डच सिविलाइजेशन का नाम आप लोग ने सुना होगा। 1863 में ये जो कॉलेज आप देख रहे हो ना, इसका फॉर्मेशन 1863 में हुआ था, अप्रॉक्स 100 इयर्स बैक। 1863 के बाद जब यहाँ से कॉलेज शुरू हुआ तो पहले यहाँ पर इंटरमीडिएट की क्लासेज होती थी। ये स्टार्ट हुई तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो इतिहास है जयप्रकाश नारायण मूवमेंट का रहा है। जेपी मूवमेंट का नाम आप लोग ने सुना होगा। तो सबसे बड़ा इतिहास जो बिहार में ये क्रिएट हुआ था उसका सबसे बड़ा गढ़ यही था। वो बता दें कि जिसने इंदिरा गांधी की सत्ता को उठा करके पलटने वाले जयप्रकाश नारायण इसी विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले थे। तो वो जो गली आप देख रहे हैं, वो गली को हम दिखाना चाहेंगे, वो जो गली आप देख रहे हैं उसी गली में पुलिस ने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा था। इसी के बाद ये आंदोलन जो जेपी मूवमेंट था उसी के बाद ये उग्र हो गया था। और उसके बाद सारे छात्र जो थे वो अशोक राजपथ पर निकले थे और उसके बाद इंदिरा गांधी हटाओ के नारे लगने शुरू हुए थे। यही था हिस्ट्री इस पटना कॉलेज का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स एक्सप्लोर द पटना कॉलेज एंड आई होप आपको जो एपिसोड्स में क्रिएट करने जा रहा हूं वो काफी पसंद आने वाला है। A few moments later. ये पटना कॉलेज का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इसको बोलते हैं। यहीं पर सारा काम होता है, काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3। इस तरीके से करके टोटल यहाँ पर 6 काउंटर हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो ऊपर में काफी पुराना आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर से बनाया हुआ है। एंड ये प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। तो फिलहाल तो प्रिंसिपल सर अभी अवेलेबल नहीं है। दिस इज द केबिन ऑफ आवर ऑनरेबल प्रिंसिपल सर। तो यहाँ पे सर बैठते हैं एंड पुराने जितने भी प्रिंसिपल रह चुके हैं सारे लोग का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। इस प्रकार से टेम्स नदी के किनारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार गंगा पीछे में और गंगा नदी के बगल में अपना विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था 1917 में। अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया में पटना कॉलेज को, पटना यूनिवर्सिटी को ईस्ट का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। A few moments later. This is the class of economics of second year in the Patna College. तो मैं पूछना चाहूंगा कोई भाई लोग से कि क्या यहाँ का मतलब कैसा व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई कैसा है। What is your name? अमित राज। तो अमित से मैं पूछना चाहूंगा कैसा लगता है तुमको पटना कॉलेज में आने के बाद और यहाँ की पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी है और यहाँ तक इन्वायरमेंट की बात, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छी है, लाइब्रेरी अच्छा है, यहाँ टीचर्स भी अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छी है, हमारी एचओडी है, क्लास ले रही हैं। व्हाट इज योर नेम ब्रदर? ऋतुराज। एंड व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस पटना कॉलेज एंड योर दिस डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स? कॉलेज इज गुड एंड माय पॉइंट ऑफ व्यू द इकोनॉमिक डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पटना कॉलेज। कुछ इस तरीके का रिव्यू मिला है मेरे को इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का। एंड हमारे साथ अभी एचओडी मैम है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की, जिनका नाम है श्वेता मैम। तो श्वेता मैम से मैं पूछना चाहूंगा, मैम आपको पटना कॉलेज का एनवायरमेंट कैसा लगता है आपके थ्रू, क्योंकि आप यहाँ की एचओडी? अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एनवायरमेंट जैसा भी कोई भी टीचर हो, जैसे हम यहाँ पे एचओडी हैं, अगर एचओडी ना भी होते एक नॉर्मल टीचर होने के हिसाब से भी जो हर एक टीचर का जो फर्ज बनता है कि वो रेगुलर आए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे और क्लास में जब भी आए बच्चों को अपना बच्चा समझते हुए जो भी उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उसको ड्यूटी परफॉर्म करें। सोसाइटी में लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझेंगे, एक चेंज नहीं आ सकता। एग्जैक्टली। एंड दिस इज द इकोनॉमिक्स ऑफ द फर्स्ट ईयर। मैं सब लोग से पूछना चाहूँगा कि पटना कॉलेज का इकोनॉमिक डिपार्टमेंट आप लोगों को कैसा लगता है और पढ़ाई लिखाई यहाँ पे कैसा है आप लोग के हिसाब से? परफेक्ट। हम लोग उम्मीद से ज़्यादा खुश हैं कि हम पटना कॉलेज आए और इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में आए। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करने के बाद मैं अभी आया हूँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, जो कि पटना कॉलेज का ही एक अंग है। एंड सर है हमारे एचओडी यहाँ के अविनाश कुमार। एंड सर के बारे में मैं बताऊँ कि न्यूली अपॉइंटेड, यहाँ पे 3 महीना हुआ सर को अपॉइंटमेंट लिए हुए। अभी सर से मैं यहाँ का जेन्युइन रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि सर आपको 3 महीना हुआ यहाँ पे आए हुए, आपको तो 3 महीने में आपने क्या क्या फील किया इस कैंपस के बारे में? आमतौर पर मुझे बहुत ही निगेटिव चीजें दिखाई देने लगी, फिर मैंने उसमें एक पॉजिटिव चीज ये खोजा कि 2 चीजें हो सकते हैं, या तो मैं समस्या का बन जाऊं और या तो मैं समस्या का समाधान कर दूं। और इसमें मैंने ये देखा था कि अभी तक जो यहाँ के बच्चे हैं वो बड़े उम्मीद के साथ यहाँ पर एडमिशन लेते हैं हर सब्जेक्ट में, लेकिन जितनी वो उम्मीद करते हैं उतनी उम्मीद के मुताबिक यहाँ पर उनको मिलता नहीं है। इसमें मैंने ये देखा कि क्यों ना समस्या के समाधान के तौर पर मैं बच्चों को इसमें शामिल करूं। जी, आपके क्लास में आने लगे समझिए समस्या का समाधान वहीं से शुरू होने लगा। मेरे साथ हिस्ट्री विभाग के सारे छात्र हैं। कॉलेज में आप लोगों को कैसा फील होता है कुछ बताइए? कॉलेज में बहुत अच्छा लगता है, हमारे कॉलेज में रेगुलर क्लासेस चलती हैं, ये सबसे अच्छी बात है हमारे कॉलेज की।
सबसे पहले तो बिहार का एक ऐतिहासिक कॉलेज है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आता है बहुत ज़्यादा उम्मीद से आता है, हम लोग भी इसी उम्मीद से आए थे और कुछ हद तक ये हम लोग की उम्मीदें पूरी हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब जितना क्लास यहाँ होता है वो किसी कॉलेज में नहीं होता। तो अभी हम लोग के सामने जो भी आप देख रहे हैं ना, तो दिस इज द BCA डिपार्टमेंट ऑफ द पटना कॉलेज। हमारा नाम अनुराग हर्ष। पढ़ाई लिखाई कैसी चलती है अंदर? पढ़ाई लिखाई तो बढ़िया है, टीचर्स भी अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है कि कुछ गड़बड़ी है, बस बढ़िया है सब चीज़। एक्सेस तो बेहतर है और टीचर्स भी काफ़ी सही हैं। तो कुछ इस तरीके का रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, किसी बात का कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कॉलेज में, सब कुछ सही है, वेल डिफाइंड। एंड आप लोग रिकमेंड करेंगे न्यू एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे? है ना। सो दिस इज द BBA डिपार्टमेंट ऑफ पटना कॉलेज। लास्ट बेंचर था अपने लाइफ में एंड अभी मैं लास्ट बेंच से शुरू करता, तो भाई तुम्हारा नाम? मेरा नाम उत्कर्ष केसरी है। तो कैसा फील होता है पटना कॉलेज में आने के बाद? थोड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि ये स्टेट का सबसे बेस्ट कॉलेज में आता है और इसमें BBA डिपार्टमेंट है तो उसमें और इसमें पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? यार टीचर सारे अटेंटिव रहते हैं, वो अपना 100% देते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में लड़कियों के साथ कैसा बिहेवियर होता है? नॉर्मल जैसा होना चाहिए, वैसा कुछ अभी खास खराब नहीं हुआ है और यही प्रे करेंगे कि आगे भी ऐसा ही अच्छा चलते रहे। A few moments later. And अभी मैं हूँ पटना कॉलेज के लाइब्रेरी में। यहाँ पे काफी आपको प्राचीन, काफी एंशियंट एंड काफी विभिन्न तरीके के बुक आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको एक कार्ड बनवाना होगा एंड कार्ड बनवाने के बाद यू कैन टेक द बुक अवे फ्रॉम हियर। तो कृष्ण मुरारी सर हमारे सामने हैं जो कि इस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं। आपके लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें मौजूद होंगी? हमारे यहाँ जो भी किताब है सब UG लेवल का है, कॉमर्स साइंस छोड़ करके आर्ट्स का सब किताब। भाई तुम्हारा नाम क्या हुआ? ऋषि। मेरे को ये बताओ कि पटना कॉलेज के कैंपस में क्रिकेट खेल रहा है, इसके बारे में कुछ अपना अनुभव साझा करो हमारे साथ। अनुभव ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भले किसी को साथ में क्रिकेट खेलना नहीं आता है पर यहाँ बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। ऋषि मुझे एक और बात बताओ कि तुम इस कॉलेज के स्टूडेंट हो? जी। कौन से डिपार्टमेंट में? इंग्लिश। तो ऋषि जैसे खेल रहा है क्रिकेट, उसकी जो सारी टीम्स है उसी तरीके से यू कैन प्ले हियर। एंड अभी मैं BMC यानी कि अपने डिपार्टमेंट में आया हूँ एंड यहाँ पे देखो आप लोग कि यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसके ऊपर न्यूज़पेपर वगैरह है, मैगजीन्स वगैरह है। तो कुछ अपने भाई हैं जो कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि भाई ये जो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आप पढ़ रहे हैं तो इस सब पढ़ने से फ़ायदा होता है कि नहीं आप लोग को? बिल्कुल फ़ायदा होता है ये सब पढ़ने से। जिन छात्रों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो लॉज में रह रहे हैं, कहीं कहीं रह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं होती है पेपर खरीदने की, मैगजीन खरीदने की, वो इस आस में रहते हैं कि कॉलेज में आएंगे तो वहाँ पे हमको पेपर मैगजीन मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, और वो अपने यहाँ आकर के पढ़ते हैं और तैयारी को अंजाम देते हैं। मेरा नाम है त्रिलोक कुमार, मैं थर्ड ईयर हिंदी विभाग का छात्र हूँ। सो दिस इज द BMC डिपार्टमेंट जो कि मेरा भी एक तरीके से डिपार्टमेंट कहो तो सही रहेगा। एंड जो भी आप स्टूडेंट्स देख रहे हो ये सारे नए स्टूडेंट हैं जो कि अभी एडमिशन लिए हैं। फर्स्ट ईयर में आके ब्लॉग बनाने का पीछे का मकसद यही है कि मैं आप लोग को इनके थ्रू रियलिस्टिक कंडीशन है पटना कॉलेज का वो सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। मैं यहाँ पे आपको स्मार्ट क्लास वगैरह देखने को मिल जाएगा। क्या नाम हुआ भाई तुम्हारा? मेरा नाम संपत कुमार है। और पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में, वो भी मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के बाद कैसा लग रहा है तुमको? एडमिशन लेने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और फिर प्लस में टीचर भी टाइम से आते हैं और फिर भैया लोग भी हैं जो बहुत हेल्पफुल है। बाहर का जो सराउंडिंग है, तुम लोग जब एडमिशन लिए होगे तो सुने होगे कि पटना कॉलेज ऐसा है, पटना कॉलेज वैसा है, तो यहाँ पे आने के बाद रियलिस्टिक क्या तुम लोग को फील हुआ, पटना कॉलेज कैसा है एक तरीके में बोला जाए तो? जैसे पहले सुना था वैसे तो बहुत डिफरेंट है, अभी यहाँ का माहौल बहुत शांत है, माहौल शांति रहता है, ऐसा कुछ बात है नहीं जो पहले सुना था मैं। तो परिपूर्ण मेरे को ये बताओ कि पटना कॉलेज मास कम्युनिकेशन के फर्स्ट ईयर के तुम लोग स्टूडेंट हो और फर्स्ट ईयर में कैसा फील कर रहे हो, पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? बहुत अच्छी होती है और हमारा जो सिलेबस है वो भी काफी अच्छा चल रहा है, सारे टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। दीक्षा मुझे ये बताओ कि पटना कॉलेज में एज अ गर्ल तुमने एडमिशन लिया तो तुम क्या कहना चाहोगी? जो भी लड़कियाँ ये वीडियो देखेंगी तो उन लोग के लिए तुम इस कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहोगी? मैं उन लड़कियों से कहना चाहूंगी कि बेहिचक इस कॉलेज में एडमिशन ले, क्योंकि जैसा सब बोलते हैं सेफ नहीं है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, माहौल काफी अच्छा है, टीचर्स काफी अच्छे हैं, सीनियर्स काफी अंडरस्टैंडिंग है, काफी सपोर्टिव है। पढ़ाई लिखाई कैसी है? रेगुलर क्लासेस भी चलते हैं, मतलब जो शेड्यूल मिला उस हिसाब से रेगुलर टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, अपना टाइम पूरा ड्यूरेशन पूरा करके ही जाते हैं। इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि अभी जो तुम लोग का जो जूनियर बैच आएगा 2022 में, तुम लोग यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए रिकमेंड करोगे? बिल्कुल 100%। मैंने जो सोचा था पटना कॉलेज के बारे में, सब बता रहे थे कि सरकारी कॉलेज है ऐसा है वैसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई ओवरऑल बहुत बढ़िया है, इन्वायरमेंट भी बहुत बढ़िया है और हर किसी को इसमें एडमिशन लेना चाहिए पटना कॉलेज। जैसा कि इस कॉलेज के बारे में बाहर बहुत सारा भ्रांतियाँ फैला हुआ था, तो यहाँ आने के बाद वो
सब मन से दूर हुआ है और यहाँ की यहाँ तक यहाँ का माहौल है जो वो हद तक सपोर्टिव है हमारे अपने ड्रीम को फॉलो करने में और अपने करियर को बनाने में। अच्छा मुझे ये बताओ कि जैसा कि पटना कॉलेज को ईस्ट ऑक्सफोर्ड बोला जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, इस नाम से पटना कॉलेज को तुम कितना रिलेट कर पाती हो? रिलेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं बिकॉज यहाँ के टीचर्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से एज अ फ्रेंडली नेचर के हैं और वो उन लोगों का जो समझाने का तरीका है किसी भी कॉन्सेप्ट को वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है, वो इतने फ्रैंक होकर समझाते हैं कि वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। सर यहाँ का जो माहौल है ये बहुत अच्छा है, जितने भी टीचर आते हैं वो सभी अच्छे पढ़ाते हैं। तो क्या बताना चाहोगे कॉलेज के बारे में? कॉलेज का कैंपस बहुत सही है, जैसा अफवाह है बाहर वैसा कुछ भी नहीं है, टीचर्स बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत हेल्पफुल, डेडिकेटेड है, सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, कुछ भी ऐसा खराब जैसा कुछ नहीं है, सब परफेक्ट है। लाडली क्या बताना चाहोगे कॉलेज के बारे में? वैसे तो कैंपस और यहाँ की क्लासेस के बारे में सारे लोग बता ही चुके हैं, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों की पढ़ाई होती है। संगीत क्या बताना चाहोगे कॉलेज के बारे में? देखिए ये फैक्ट है कि अभी जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं जो इस देश को एक सर्टिलिटी के साथ चला रहे हैं उस सारे में से बहुत सारे लोग हैं जो इसी कॉलेज से निकले हैं, ठीक है, तो ये बहुत सर्टन बात है कि इस कॉलेज में ऐसा कुछ शायद होगा जो उन लोगों ने अचीव किया है इस कॉलेज में रह करके। बाकी जो पढ़ाई लिखाई की बात है लोगों ने बोला है बहुत अच्छी पढ़ाई है, सीनियर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है, दैट्स इट। अभी हमारी रचना मैम है जिनसे कि मैं भी पढ़ा हूँ एंड मास कॉम का सारा डिपार्टमेंट जो है मैम हैंडल करती है, मैम पढ़ाती है, तो मैम से मैं ये पूछना चाहूँगा कि रचना मैम आपको यहाँ के बच्चे कैसे लगते हैं? ऑब्वियसली यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं और मैं खुद यहाँ पढ़ी हूँ, जब आप खुद एक जगह किसी एक संस्थान में आप पढ़ते हैं और फिर आप वहाँ पढ़ाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, और ख़ास करके अभी हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर आया है तो बच्चे जो स्कूल से जो आते हैं और कॉलेज में तो वो एक अलग जर्नी होती है उनकी और एक अलग मिक्स्ड फीलिंग होती है। अभी उनको यूनिफॉर्म पहनना है यहाँ तो वो ये सोच के शायद आए होंगे कि अब तो स्कूल से यूनिफॉर्म से छुटकारा मिल जाएगा कॉलेज में, लेकिन हमारे यहाँ ड्रेस कोड जो है वो फॉलो होता है और वो एक अच्छी बात है, एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो बच्चों में होनी चाहिए। बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो नया एडमिशन यहाँ पे जो नया बैच आने वाला है तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं? ऑब्वियसली यहाँ एडमिशन लेना चाहिए, क्यों ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ खुद पढ़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है या अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी यहाँ है, रिसोर्सेज भी हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो ये कम्प्लीटली एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। और यहाँ हमारे प्रशांत सर जो कि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, सर के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि सर यहीं के पास आउट स्टूडेंट हैं। पहला सवाल ये होगा कि ये जो ट्रांजिशन है आपके पढ़ाई से और हमारे पढ़ाई तक का, सर इसके बारे में छोटा सा कुछ आप कहना चाहिएगा? ट्रांजिशन बहुत शानदार रहा है। 2007 में जब मैं यहाँ पटना कॉलेज में मास कॉम डिपार्टमेंट में पढ़ने आया था और जब एडमिशन ले लिया तो पता चला कि यहीं वो पटना कॉलेज है जहाँ से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर से लेकर और जयप्रकाश नारायण तक पढ़े हैं और अनगिनत विभूतियाँ पढ़ी हैं, तो एक स्टूडेंट के रूप में भी अंदर से गर्व होता था कि मैं उस पवित्र स्थल पर ज्ञान के मंदिर में आया हूँ जहाँ से इतनी बड़ी विभूतियाँ पढ़ी हैं। दूसरा फेज़ जब शुरू हुआ, जब 4-5 साल पहले यहाँ शिक्षक के रूप में काम करने का मौका मिला तो एक अलग अनुभूति इस रूप में हुई कि जिस 150 वर्ष पुराने ऐतिहासिक पटना कॉलेज से पढ़ने का मौका मिला वहीं आज मुझे पढ़ाने का भी अवसर मिला है, तो ये आत्मिक आनंद और आत्मिक सुख की बात है मेरे लिए कि मैं जहाँ का स्टूडेंट रहा, जहाँ के पहले बैच के रूप में मैंने एडमिशन लिया था और आज वहीं शिक्षण कार्य करने का अवसर मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है, आत्मिक सुख की बात है। सर एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जो भी बच्चे जो कि अपकमिंग बच्चे हैं 2022 वाले सेशन के वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होंगी कि कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो सर इसके बारे में आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहिएगा? जी ज़रूर, इस कॉलेज में जो लोग नए लोग पढ़ने आते हैं आ रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप एक जो मील का पत्थर शिक्षण संस्था होता है भारत में उसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, दुनिया भारत के 7वीं सबसे पुराने विश्वविद्यालय में आप एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ से पढ़कर पास होने के बाद आपके हाथ में एक डिग्री होगी जिसके ऊपर में पटना विश्वविद्यालय का लोगो लगा होगा और वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उस वो जितना गंभीर जितना भारी जितना वजनी नाम है उस नाम के अनुरूप आप पढ़ाई करेंगे और पूरे भारत भर में बल्कि भारत के बाहर भी आपको प्रतिष्ठा की निगाह से प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाएगा। और मुझे एक बात बताओ कि पटना कॉलेज के बाद जब बच्चे निकल के आते हैं इस घाट पे, जैसे कि तुम भी आते हो इस घाट पे, तो कैसा फील करते हो यहाँ पे आने के बाद? यहाँ आने के बाद एक शांति का माहौल रहता है,
प्रकृति जिस प्रकार से गंगा बह रही है, गंगा को देखने का, फिर यहाँ पर चिड़िया का चहचहाट, इतना हरा भरा यहाँ पर, ये गंगा एक्सप्रेस वे जो बना इस पर टहलने का मजा ही कुछ और है। एक बार इमेजिन करके देखो कि यहाँ पे आने के बाद कितना खूबसूरत सा एहसास होता होगा। ज्योग्राफी, वाणिज्य और फिर दरभंगा हाउस। तो नेक्स्ट एपिसोड में ये सारा डिपार्टमेंट हम लोग एक्सप्लोर करके आप लोग साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए करता हूं इस वाले व्लॉग को ये एंड। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपना प्रीशियस कमेंट देना ना भूले। एंड वन मोर थिंग, बिहार का हेरिटेज यूनिवर्सिटी के लिए इसको शेयर से ज्यादा करें।